साइड एंड योर वेलकम टू लॉ स्पेक्टर्स। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया में आप एक लॉ प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। काफी रिस्पेक्टेबल रेप्यूटेड जॉब है ये लीगल फील्ड के अंदर। अर्निंग और लर्निंग पोटेंशियल दोनों ही आपको इस प्रोफेशन में मिल जाएंगे और वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में भी ये लीगल फील्ड के बाकी करियर ऑप्शन से काफी बेहतर है, विच इज वाई अ लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स वॉन्ट टू परस्यू दिस एज अ करियर। लीगल टीचिंग करियर में प्रोफेशनल ग्रोथ, एजुकेशन एंड वर्क बेस्ड प्रमोशन, सैलरी में कंसिस्टेंट ग्रोथ, यंग एनर्जीज के साथ इंटरेक्शन, इंटेलेक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, ये सब कुछ पॉसिबल है। ओवरऑल इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन इन लॉ। सबसे पहले लॉ प्रोफेसर्स की हायरार्की जान लेते हैं। एंट्री लेवल पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोमोशन के बाद बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड विद फर्दर प्रोमोशंस दे बिकम प्रोफेसर। ये प्रोमोशंस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर होते हैं। लेट्स सी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं। नंबर वन, आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए है। रिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है पास परसेंटेज में। LLM आप किसी भी सब्जेक्ट एरिया में कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में ही LLM करने वाले हैं तो आपको सिर्फ एक UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही LLM करनी है, और अगर आप फॉरेन कंट्री से LLM करना चाहते हैं देन मेक श्योर इट्स इक्विवेलेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज वेल बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, दैट इज AIU। अदरवाइज आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। 1 year, 2 year, 3 year LLM तीनों ही एक्सेप्टेबल हैं। LLM से रिलेटेड एक और बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने सोच लिया है कि टीचिंग ही करनी है, आपको लॉ प्रोफेसर ही बनना है, तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप LLM एक अच्छी रेप्यूटेड लॉ यूनिवर्सिटी से करें। नाउ ये कहने के पीछे एक रीजन है, एक बिटर ट्रूथ मान लीजिए। जितनी भी टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज होती हैं तो ज्यादातर एड्स में ये चीज मेंशन्ड होती है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम NLU और सो एंड सो यूनिवर्सिटीज प्रेफर्ड। ये फेवरेटिज्म, ये झुकाव अभी भी है रिक्रूटर्स के अंदर। कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सी, आई एम नॉट सेइंग कि टॉप लॉ स्कूल से LLM नहीं करोगे तो प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलेगी। इफ यू आर गुड इनफ इन योर टीचिंग क्राफ्ट तो जॉब तो मिल ही जाएगी, बड़ी ना सही छोटी लॉ यूनिवर्सिटी में ही सही, लेकिन पे स्केल और बाकी चीजें हो सकता है बेयर मिनिमम हो। तो अगर आप वो स्टार्टिंग स्ट्रगल अवॉइड करना चाहते हैं तो पूरी कोशिश कीजिए एक अच्छे लॉ स्कूल से LLM करने की। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपने UGC नेट एग्जाम या सिमिलर एग्जाम जो UGC कंडक्ट करवाता है वो क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इफ यू क्लियर दिस एग्जाम यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट इन एनी लॉ स्कूल इन इंडिया। नेट एग्जाम के साथ आपको JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। UGC नेट एग्जाम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम इस एग्जाम से जुड़ी हर डिटेल, हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से कवर करेंगे और ये भी जानेंगे कि आप इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास PhD की डिग्री है तो आपको UGC नेट या सिमिलर एग्जाम पास करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उस PhD डिग्री की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो UGC ने डिसाइड की हुई हैं। लेट्स सी कि वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम प्रायर टू July 11, 2009। द PhD डिग्री मस्ट बी इन रेगुलर मोड। द PhD थीसिस शुड हैव बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अलोंग विद एन ओपन PhD वाइवा वोस। Plus, the candidate has published 2 research papers from his or her PhD work, out of which at least one is in a referred journal. Also, the candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD in conferences, seminars, sponsored, funded or supported by the UGC, ICSSR, CSIR or any similar agency. अब ये रिक्वायरमेंट्स उनके लिए जो इंडिया से PhD कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD की है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सी। द PhD डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: क्वाक्करोली साइमंस, द टाइम्स हायर एजुकेशन और द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ द शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी। ठीक है,
पीएचडी से रिलेटेड आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आई थिंक डिस्कस करना बनता है कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एंट्री लेवल पर आप कितना कमा सकते हैं, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफर करता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जैसे NLUs में सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, जहाँ मंथली ऑन एन एवरेज आपकी नेट सैलरी होगी अराउंड 77,000 रुपीज, क्योंकि बेसिक पे के साथ जो अलाउंसेज आपको मिलते हैं वो सिटीज के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ सैलरी काफी निगोशिएबल होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल के लिए पे रेंज 30,000 पर मंथ से लेकर 55,000-60,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि अगर आपने सिर्फ UGC नेट क्लियर किया है तो आपको 30,000-35,000 पर मंथ वो ऑफर करेंगे। अगर आपने नेट के साथ साथ JRF भी क्वालिफाई किया हुआ है, देन अगेन दे विल ऑफर 40,000-45,000 पर मंथ। ये एवरेज रेंज में बता रही हूँ। अगर PhD भी आपने की है तो अगेन आपको ऑफर में इंक्रीज देखने को मिलता है। बेसिकली सैलरी फिगर सब्जेक्टिव है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी और यूनिवर्सिटी वाइज भी, when it comes to private universities. अच्छा, कई ऐसे भी candidates होते हैं जो already practicing advocates हैं but साथ में teaching भी करना चाहते हैं, तो क्या वो दोनों काम साथ में कर सकते हैं? Well, अगर आप एक full-time professor हैं तो university आपको practice करने के लिए allow नहीं करती है, but अगर आप एक part-time professor हैं, visiting faculty हैं या contractual basis पर काम करते हैं, सिर्फ guest lectures लेते हैं, then of course you can continue your practice along with teaching. Okay, now How working as a law professor look like? Working hours से start करते हैं। अगर आप एक full-time professor हैं, then it's a 9-to-5 job. Commonly दिन में 3-4 lectures आपको लेने होते हैं। और अगर आप university के किसी board, committee या society के member हैं, तो वहाँ की activities की responsibility भी आपको देखनी होती है, जैसे moot court society, legal aid cells, legal research committee वगैरह। Teaching एक dynamic nature की job है, जहाँ आपको पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना होता है। तो वो rigorousness इस profession में हमेशा रहेगी, और जैसे commonly लोगों का myth होता है इस profession के बारे में, it's not at all a boring job. And yes, एक बहुत बड़ा myth रहता है candidates के दिमाग में, जिसे मैं clear करना चाहूँगी, कि हमने जिस subject में specialization किया है, हम वही पढ़ाएंगे college में. But reality में ऐसा नहीं होता है. College authorities आपको कोई भी subject allot कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, चाहे आप उस subject में interested हो या नहीं हो. Either you teach what they give or you leave. ठीक है, तो ये सिचुएशन रहती है, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। ओके, वन मोर एस्पेक्ट दैट आई वांट यू टू फोकस अपॉन, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको LLB के टाइम से ही पता है, फाइनल किया हुआ है कि लॉ प्रोफेसर ही बनना है, तो आप कॉलेज टाइम से ही इस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब तक आपका टाइम आएगा जॉब के लिए अप्लाई करने का, तब तक आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और CV तीनों ही स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले जो काम आपको करना है, दैट इज इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर LLB एंड LLM, कोर्ट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, लॉ फर्म्स में, कॉर्पोरेट्स में, जहां भी आप करना चाहें एज पर योर इंटरेस्ट। स्पेशली एक कोर्ट इंटर्नशिप तो जरूर कीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे पढ़ाना ही तो है तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का क्या फायदा। देखिए, प्रोफेसर सिर्फ थ्योरी बताने के लिए नहीं होते हैं, वो हजारों स्टूडेंट्स को, हजारों लॉ स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं, और अगर आपको ही प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, देन देयर इज नो चांस यू कैन गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट हाउ थिंग्स हैपन आउटसाइड द लॉ स्कूल। और करंट सिचुएशन में तो हमें लॉ स्कूल की थ्योरी और बाकी जो इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है उसके बीच का गैप फिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप अपने स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी सिखाएंगे, तब वो बनेगी होलिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। स्पेशली जब आप प्रोसीजरल लॉ पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि CRPC, CPC कोर्ट्स में कैसे अप्लाई होता है। एक प्रोफेसर की स्ट्रेंथ होती है उसके कंटेंट पे उसका कॉन्फिडेंस, और आपको उस कॉन्फिडेंस को जो है बरकरार रखना है, इसीलिए आपको इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए। I've made a complete playlist on legal internships in case you have any doubts regarding that. Playlist का लिंक आपको आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज के लिए आप मूट कोर्स, मॉक ट्रायल्स या और भी कई तरह की लीगल एक्टिविटीज में एनरोल कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना ऐड ऑन टू योर CV एज वेल। दूसरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर्स, जिस भी लीगल एरिया में आप इंटरेस्टेड हो। अटेंड कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, एक प्रोफेसर की जॉब के लिए रिसर्च पेपर पब्लिकेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड डेफिनेटली दे गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, वो तो अप्लाई करने वाले सारे कैंडिडेट्स फुलफिल करेंगे ही, लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए उस जॉब के लिए,
इसका जवाब आपको अपने सीवी में देना है। एंड पब्लिकेशंस फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीवी। और कोशिश कीजिए अपना रिसर्च पेपर ऐसी जर्नल्स में पब्लिश करने का जो नेशनली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड हैं और जो बहुत ज़्यादा रेफर की जाती हैं, जो क्रेडिबल हों। लॉ के हर सब्जेक्ट एरिया में कुछ फेमस जर्नल्स होती हैं विच पियर रिव्यू योर पेपर्स एंड बिग लीगल अथॉरिटीज आर पार्ट ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड। मेक श्योर यू डोंट गो फॉर द पेड वंस, दे वॉन्ट एड एनी वैल्यू टू योर सीवी। कौन सी लीगल जर्नल्स अच्छी हैं पब्लिकेशन के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी लीगल रिसर्च स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके अलावा आप LLB के टाइम से ही अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरेक्शन स्किल्स, इनको ब्रशअप कीजिए, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहिए, स्टेज फियर हटाइए, लर्न हाउ टू टॉक, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसानी से कैसे समझा सकते हैं ये सीखिए, ताकि जब रिक्रूटर्स आपको डेमो लेक्चर्स लेने के लिए कहेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऑफकोर्स आपके जॉब के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर पॉसिबल हो तो आप कहीं लीगल टीचिंग की पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कोचिंग क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस खुद से ले सकते हैं, या अगर आप LLM कर रहे हैं तो आप अपने प्रोफेसर के टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये आपको प्रायर एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करेगा फॉर योर टीचिंग करियर। तो आप देख लीजिए कि आप अपने शेड्यूल से कितना टाइम निकाल सकते हैं और ट्राई कीजिए ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने का। एक सक्सेसफुल लॉ प्रोफेसर बनने से पहले आपको बनना होता है एक अच्छा लॉ एस्पिरेंट और एक अच्छा लॉ स्टूडेंट। और एक लॉ एस्पिरेंट से लॉ स्टूडेंट बनने के लिए आपको जरूरत होती है स्ट्रेटजी और गाइडेंस की। और इस प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन है लीगल एज, जिसकी हेल्प से आज कई लॉ एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम लॉ स्कूल में एंट्री कर चुके हैं। अगर आप भी क्लैट, ए-लिट, DU, LLB जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लीगल एज को जरूर कंसिडर कीजिए। टॉप नॉच एक्सपीरियंस फैकल्टी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस विद द डाउनलोड फीचर, वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मॉनिटरिंग और गाइडेंस, सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशन, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब कुछ लीगल एज आपको प्रोवाइड करता है। 1 ईयर, 2 ईयर और 40 डेज का क्रैश कोर्स, ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप क्लैट टीचिंग या किसी सिमिलर LLM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लीगल एज की LLM मॉक टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए। इस मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी गलतियां एनालाइज कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में कम से कम गलतियां करें। लीगल एज की USP है उसका कंसिस्टेंट सक्सेस रेट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रैंकर्स खुद कह रहे हैं। तो आप भी बनिए इस सक्सेस का पार्ट और आज ही ज्वाइन कीजिए लीगल एज, योर ट्रू क्लैट कंपेनियन। The link is in the description, go check it out. You can also use the coupon code LAWSPECTORS10 to avail flat 10% discount on the course fee. That's it for this video. I hope it's clear to you that how you can go about pursuing your career as a law professor. Do subscribe and hit the bell icon to stay updated with our upcoming videos. Aap hamare saath Instagram, Facebook aur LinkedIn par bhi connect ho sakte hain. The links are in the description. See you in the next video. Thank you for watching.